वारिस पठान बहुत खूब भाई, बहुत खूब। क्या स्टेटमेंट आया आपका कि 15 करोड़ मुसलमान 130 120 100 करोड़ हिंदुओं पे भारी पड़ जाएंगे। तो एक तो मैं तेरे स्टैटिस्टिक्स ठीक कर देता हूं कि 22 23 जितने करोड़ मुसलमानों में से 15 करोड़ मुसलमान तो रोजमर्रा की जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं और वो तुम लोगों की वजह से कर रहे हैं। ये हम बता देते हैं, वो तुम लोगों की वजह से कर रहे हैं। एक बात सुन, हम जैसे सेक्युलर हिंदू और हम जैसे जितने भी इसके जो मुस्लिम हैं सेक्युलर, उनको बख्श दो। एक तू बकवास करता रहता है बंबई में बैठ के, कोई हैदराबाद में राजा सिंह करता रहता है बकवास। दोनों ने अपनी अपनी कौमों में लोगों को बेवकूफ बनाने का ठेका ले रखा है। और दोनों को कौन फॉलो करते हैं ये और बता देता हूं, ये और बता देता हूं, जो $1000 महीना भी नहीं कमाते। तेरी मैंने स्पीच सुनी पूरी, ठीक है। एक स्टेटमेंट दिया था पहले वो छोटे ओवैसी ने, याद है, वो आज तक उस स्टेटमेंट की वजह से तुम्हारी कौम को ताने सुनने पड़ते हैं और हम लोगों को भी कमजोर करते हो तुम सेक्युलर हिंदुओं को। तेरे एक स्टेटमेंट ने शाहीन बाग में वो जो दो बच्चियों ने जो स्टेटमेंट दिया था उसको भी डायल्यूट कर दिया, पता है तेरे को। तुम अपनी सियासत अपनी जगह रखो, अपने घर में रखो, रोड पे लाने की जरूरत नहीं है इसको, कभी भी रोड पे लाने की जरूरत नहीं है सियासत को। देश को शांति से चलने दो। ये बी टीम ए टीम सी टीम मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ये पता है देश में जो बकवास करेगा मैं उसके खिलाफ बोलूंगा, ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। समझ में आ गई बात। तूने किसका जवाब दिया, क्या नहीं कर रहा, वो तू फोन पे उसको दे उसका जवाब, पब्लिकली नहीं देने का, ठीक है। और अपने समाज को बेवकूफ नहीं बनाने का, बहुत बेवकूफ बनाए तुम लोगों ने अपने समाज को, तेरे से ज्यादा मैं जानता हूं तेरे समाज के बारे में। समझ में आ गई बात। 2014 से झकनी मार रहा मैं सोशल मीडिया पे और तेरे जैसे लोगों को जवाब दूंगा 100%, क्योंकि तू मुसलमान है ही नहीं। जो नफरत बांटता है वो मुसलमान हो ही नहीं सकता, जो नफरत बांटता है वो हिंदू हो ही नहीं सकता, कुरान में लिखा ही नहीं है, लिखा ही नहीं है। फर्जी मुसलमान है तू, जैसे वो फर्जी हिंदू बैठा ना राजा सिंह, तू फर्जी मुसलमान है, तू लोगों को बेवकूफ बनाता है। और काय का पठान है वे तू, कौन सा पठान है तू, कुछ नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। मेरे और मेरे मुसलमान भाइयों के बीच में अगर दीवार खड़ी करने की कोशिश करनी है, एक ठोकर वहां से पड़ेगी और एक ठोकर यहां से, कहीं के नहीं रहोगे तुम लोग, कहीं के नहीं रहेंगे। शर्म नहीं आती तुम लोगों को यार, तुम जैसे नेताओं को शर्म आती नहीं आती है। एक कौम में से जिसके अंदर कलाम साहब निकले, मोहम्मद रफी टाइप निकले, और एक कौम में तुम निकले यार, तुम्हें शर्म आती ही नहीं आती है। तुम्हें इस बात की शर्म आती ही नहीं आती कि तुम्हारी कौम को आज भी लोग बोलते हैं पंचर वाला, तुम्हें उस पर नहीं बात करनी। अरे रैली करनी है, बच्चों को समझाओ वहां जाके कि अपना समय बर्बाद नहीं करें फालतू के कामों में, वो नहीं समझाना युवाओं को। बस 15 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं में भारी पड़ जाएंगे। भाई 15 करोड़ मुसलमान रोजमर्रा की जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में नौकरियां नहीं है। मेरे पास इनबॉक्स में मैसेजेस आते हैं, इतना दुख होता है मुझे, मुझे आते हैं मैसेजेस कि अभी भाई अमेरिका बुला लो। समझ में आ गई बात। और तुम है एक नंबर के डफर जो बकवास करते रहते हैं। ये मेरा वीडियो शेयर कर लेना, ये मेरा वीडियो शेयर कर लेना, मैं कभी नहीं बोलता, ये मेरा वीडियो शेयर करके इसके वारिस के पास पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक काम कर वारिस, तू मेरे से बात कर ले, मेरे से बात कर ले, तेरे मुस्लिम कौम से ज्यादा मैं जानता हूं, मैं जानता हूं क्या तकलीफ है आज की तारीख में कौम में। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, वो मेरे भारतीय मुसलमान है, तकलीफ में है और तू उनकी तकलीफें बढ़ा रहा है, तू उनकी तकलीफें बढ़ा रहा है और कुछ नहीं कर रहा। अब तेरे ऊपर ये स्टेटमेंट, डिबेट चलेंगी अब स्टेटमेंट पे, जितने रेडिकल हिंदू हैं वो फिर उनकी फिर जबान लंबी हो जाएगी। हम लोग मोहब्बत बांटते बांटते नहीं थक रहे, तुम लोग आग लगाने में नहीं थकते यार, तुम आदमी हो, पजामे हो, कौन हो तुम, हु आर यू मैन, हु आर यू। 15 करोड़ मुसलमान तो स्ट्रगल कर रहे हैं, सुन ले मेरी बात, स्टैटिस्टिक्स उठा के देख, 22 करोड़ मुसलमान का GDP में 3% शेयर है और हम जिस कौम में आते हैं ना 0.1% पॉपुलेशन है। हमने कभी नहीं कहा हम लोग माइनॉरिटी है, मगर 26% शेयर है GDP में। पैसा बोलता है, लोगों को यह सिखा कैसे पैसा बनाना है ईमानदारी से, बेवकूफों के स्टेटमेंट दे देते हो और बंद कर दे अगली बारी तेरा स्टेटमेंट आना नहीं चाहिए और कोई रैली भी नहीं करना चाहिए तेरे को मेरी वला से। और जितने मुसलमान भाई है ना मेरी सुन लो, अगर इस जैसे आदमी को तुमने फॉलो करा तुम्हारा बेड़ा गर्क तय है। हम भी नहीं कुछ कर पाएंगे, सेक्युलर हिंदू कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग, हम सही बता रहे, कुछ नहीं, तुम हम लोग को कमजोर कर देते हो। जवाब दे दे के थक गए हम लोग यार, थक गए जवाब दे दे के कट्टर हिंदुओं को, सबसे धमकियां आती है, शर्म करो यार थोड़ी, इस बेवकूफ को छोड़ो, इसको निकालो अपनी इससे, ये MLA बनना लीजिए अगली बारी ये। और जिस जगह तू बॉम्बे में करता है ना, बॉम्बे में 10 साल रहा हूं, मुझे पता है माहिम में क्या हाल है मुसलमानों के, मुझे पता है, आई नो इट।
शर्म आनी चाहिए तेरे को यार, अगली बारी तेरा स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए वारिस, ठीक है? अब तू वार्निंग ले ले, चेतावनी ले ले, जो लेना ले ले, मैंने अपना, तू मेरे से बात कर सकता है फोन पे तेरे को जब इच्छा हो, मेरे मुसलमान भाइयों को बख्श दे, ठीक है? बख्श दे उनको।